नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कुक विद सुमन राठौड़ पे। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ ये बिल्कुल इंडियन स्टाइल में मसाला मैक्रोनी पास्ता की रेसिपी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, 10 से 15 मिनट में ये बन करके तैयार हो जाती है और बच्चे हों या बड़े हम सभी को ही पास्ता बहुत पसंद आता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वेजिटेबल पास्ता बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल में 1.5 कप मैक्रोनी पास्ता ले लिया है। ये ग्राम में पूरा 170 ग्राम है और यहाँ पर मैंने प्लेट में कुछ सब्जियाँ ली है। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ली है, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, 1 मीडियम साइज़ का प्याज है और कुछ यहाँ पर फ्रेंच बीन्स ली हैं। अब इन सारी सब्जियों को हम काट लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारी सब्जियों को काट लिया है, यहाँ पर ज़्यादा बारीक नहीं काटा है मैंने यहाँ पर, और टमाटर को काट के मैंने इस बाउल में निकाल लिया है यहाँ पर। अब इन सारी सब्जियों को एक बार हम साइड में रख देते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में 1 लीटर पानी को गर्म कर लिया है। पानी अच्छा गर्म हो चुका है तो अब इसके अंदर हम ये पास्ता मैक्रोनी डाल देंगे। आपको ये सारी मैक्रोनी इसके अंदर डाल देनी है और एक बार इसे हम हिला देते हैं इस तरीके से। अब इसके अंदर हम यहाँ पर तेल और नमक डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैं 1/2 टीस्पून जितना इसमें नमक डाल दूँगी और 1/2 टीस्पून जितना इसमें मैं तेल डाल दूँगी। तेल से क्या होता है, मैक्रोनी चिपकती नहीं है आपस में और एक खुली खुली बनती है एकदम। तो बस इसे आपको 5 से 6 मिनट तक इसी पानी में पकाना है। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। तो देखिए 6 मिनट बाद में जो हमारी मैक्रोनी है ये अच्छे से पक गई है यहाँ पर और अच्छे से फूल गई है। आप देख सकते हैं साइज़ में भी डबल हो गई है ये। तो बस इसे हम निकाल लेते हैं, फ्लेम को बंद कर देंगे। मैंने यहाँ पर एक दूसरा बाउल ले लिया है। बाउल के ऊपर हम छलनी को रख देंगे पहले। अब इसके ऊपर हम जो मैक्रोनी पास्ता है उसे छान लेंगे। तो यहाँ पर मैं सारी मैक्रोनी को छान लूँगी इसके अंदर। तो देखिए मैंने इसे छान लिया है यहाँ पर। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे। तो 1 कप जितना इसके ऊपर हम पानी डाल देते हैं इसको ठंडा करने के लिए। इससे क्या होता है, मैक्रोनी खुली खुली रहती है, चिपकती नहीं है आपस में। अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में सबसे पहले हम तेल डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच जितना तेल लिया है। जब तेल अच्छा गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसके अंदर हम 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाल देंगे और इन दोनों को हम थोड़ा सा चलाते हुए पका लेंगे। ज़्यादा देर नहीं पकाना है, सिर्फ 20 से 30 सेकंड के लिए आपको इसे पकाना है यहाँ पर। तो देखिए ये यहाँ पर पक चुका है। अब इसके अंदर हम सब्जियाँ डालेंगे। तो जो सब्जियाँ हमने यहाँ पर काट के रखी थी इन सब्जियों को इसके अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम प्याज, शिमला मिर्च और बीन्स को डाल देंगे इसके अंदर। टमाटर को अभी हम यहाँ पर नहीं डालेंगे और इन सब्जियों को अब हम चलाते हुए पका लेंगे यहाँ पर। इन्हें ज़्यादा देर नहीं पकाना है आपको, बस 2 से 3 मिनट के लिए इन्हें हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर पक चुके हैं, 2 से 3 मिनट हो गई है। अब इसके अंदर हम टमाटर डालेंगे। तो मैं यहाँ पर जो टमाटर काट के रखे थे सारे टमाटर इसके अंदर डाल दूँगी और इसे भी एक बार हम इस तरीके से चला देंगे। अब इसके अंदर हम बाकी मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1/2 छोटी चम्मच इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और इन दोनों चीज़ों को अब एक बार हम हिला देते हैं इस तरीके से। अच्छे से मिक्स कर देना है आपको इसके अंदर। अब इन सारी सब्जियों को हम ढक करके 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। इससे क्या होगा, टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। तो देखिए 3 मिनट बाद में सारी सब्जियां अच्छे से पक चुकी हैं और टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं, अच्छे से यहाँ पर पक चुके हैं। तो अब यहाँ पर इसके अंदर हमने जो मैक्रोनी पास्ता उबाल करके रखा था वो ऐड करेंगे इसके अंदर। तो सारे पास्ते को आपको इसके अंदर डाल देना है यहाँ पर। अब इसे हम एक बार हिला देते हैं थोड़ा सा और इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1/2 टीस्पून मैं इसमें गरम मसाला डाल दूंगी और थोड़ा सा इसके अंदर हम ओरिगानो डाल देंगे। अगर आपके पास ओरिगानो है तो आप ज़रूर डालिएगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो बस इन सारे मसालों को हम पास्ता में अच्छे से मिक्स कर देते हैं यहाँ पर। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसके अंदर हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डालेंगे, वो है टमाटो केचप। तो यहाँ पर मैं 3 टेबलस्पून जितना टमाटो केचप डाल दूँगी इसके अंदर। आप इसे ज़रूर डालिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इससे। तो बस इसके अंदर मैंने इसे डाल दिया है और अच्छे से इसे मिला देते हैं इसमें। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला करके हमें 2 मिनट तक पकाना है यहाँ पर। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम फिर से यहाँ पर ढक देंगे और ढक करके इसे हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे। फ्लेम को मीडियम रखना है आपको।
देखिए 2 मिनट हो चुकी है और जो हमारा मसालेदार वेजिटेबल मैक्रोनी पास्ता है ये बन करके एकदम रेडी है। बहुत ही टेस्टी और चटपटा बना है, बच्चों को बहुत पसंद आएगा, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब लास्ट में इसमें हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं और इसे भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो मिलते हैं ऐसी ही नई और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।